यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिस दिन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेसिप्रोकल नजर आए उस दिन खुश हो जाएगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। सर ये रेसिप्रोकल होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे टेन थीटा के लाइक है ना, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है आपका कोट थीटा, हाँ, और साइन थीटा का आपका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा का आपका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। जिस दिन इस तरीके के आपको रिलेशन नजर आ जाए रेसिप्रोकल रिलेशन और आपसे रेंज पूछा जाए तो खुश हो जाइएगा क्योंकि ये सबसे आसान होने वाला है, इसमें कोई ज्यादा गणित नहीं लगनी होती है। इस चीज को हम एक क्वेश्चन से देखेंगे और क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन रेंज ऑफ y इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, हाँ या ना? रेसिप्रोकल है, हाँ जी सर। अगर रेसिप्रोकल है तो मुझे ऐसे बताइएगा कि इसका यूज जो हम करने वाले हैं, बच्चे हमारे पहले की क्लास ले चुके हैं वो बच्चे, थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिएगा कि रेसिप्रोकल है तो क्यों इसको ने ऐसे बोला है कि खुश हो जाएगा। चलो ध्यान से देखिए, ये वापस लिखूं ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। अच्छा मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करने, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। अगर मैं इसका होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो वो होल स्क्वायर क्या होगा? अगर ए टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो उसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? सर अगर आपने इसका होल स्क्वायर बनाया है तो उसको ओपन करोगे तो आएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी टेन थीटा कोट थीटा। टेन थीटा कोट थीटा रेसिप्रोकल है तो कट जाएगा। तो सर यहाँ आपको ये नज़र और आएगा 2ab, अगर आपने ऐड किया है तो 2ab सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और मैं इसको कोष्ठक में बंद करता हूँ तो यहाँ नज़र आएगा a tan theta प्लस b cot theta का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से सुनिएगा, y आपने थोड़ा सा चेंज किया है। थोड़ा सा चेंज करने का मतलब सर, हाँ है वही जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, यही चीज है भाई, है ना। अब रेंज कैसे निकाली जाती है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिएगा, है ना। वाई मिनिमम कैसे निकालते हो, वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम कैसे निकालते हो देखना। वाई मिनिमम का मतलब है होल स्क्वायर का कम से कम पार्ट, कम से कम वैल्यू। किसी भी होल स्क्वायर की कम से कम वैल्यू जीरो हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती। तो होल स्क्वायर की, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, मैक्सिमम की बात करें तो इन्फिनिटी हो सकती है। तो जीरो में से कुछ घटेगा तो कम बचेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ए टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा होल स्क्वायर मिनिमम माइनस टू ए बी, और यहां मैक्सिमम हो जाएगा। एक बात को और ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात यहां समझाने वाला हूं कि सर मिनिमम की बात आपने की है तो मिनिमम ये जीरो हो सकता है, और ये जीरो होने का मतलब समझाइए ना सर, ये होने का मतलब ए टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा का होल स्क्वायर आप जीरो करना चाह रहे हो, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? अगर पॉसिबल है कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है, फिर हम इसको मिनिमम बोल नहीं सकते। तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हमने जीरो किया है तो ए प्लस ए टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा ये आपको जीरो नजर आएगा, और इसको आप थोड़ा सा ठीक हो गए तो आप एक चीज नजर आएगी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू
माइनस बी बाई ए नजर आएगा, और यहाँ से टेन थीटा आप निकालोगे, टेन थीटा निकालोगे तो वो आएगा रूट में बी बाई ए। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ भाई, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये इमेजिनरी नंबर दे रहा है, और टेन थीटा का भी इमेजिनरी नंबर नहीं देता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाँ अब आपको दिखाई देगा। तो सर इसको पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? क्या इसका रेंज निकालना पॉसिबल नहीं है फिर? नहीं, इसका रेंज निकालना पॉसिबल है, लेकिन हम मैंने जानबूझ के गलती की है, वो गलती आपको दिखाने के लिए की है। सर वो कौन सी गलती है? मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ आपने इसको पॉजिटिव किया है, कौन सा पॉजिटिव सर? यहाँ आपने इसको प्लस लिया है, अगर इसको माइनस ले तो कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, ये दिक्कत कर रहा है। तो सर क्या होगा इसका? तो यहाँ से देखिएगा फिर से, हमके पास है y इक्वल्स टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ टू ए बी लिख के प्लस टू ए बी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और यह आपको नज़र आ जाएगा ए टेन थीटा माइनस बी कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। हाँ जी सर, नज़र आ रहे हैं। अब y को आप मिनिमम दोगे तो इसको आप मिनिमम करना पड़ेगा आपको, और इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। y को आप मैक्सिमम करोगे तो आपको इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, प्लस टू ए भी ऐड हो रहा है तो भी अच्छी बात है। हाँ सर, आपने ये जो बातें बोली है ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं, और इसका मिनिमम, मिनिमम मतलब किसी भी होल स्क्वायर का मिनिमम जीरो हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, किसी भी होल स्क्वायर का मिनिमम जीरो हो सकता है, नेगेटिव कतई ही नहीं होगा। तो सर इसका फिर क्या सॉल्यूशन है? यहाँ इसको भी चेक करना पड़ेगा। हाँ तो चेक कीजिएगा ना, चेक कीजिएगा ये पॉसिबल है या नहीं। तो सर क्या चेक करें? ए टेन थीटा माइनस बी कोट थीटा, क्या ये जीरो है? तो यहाँ से आपको नज़र आएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बी बाई ए, और यहाँ से टेन थीटा नज़र आएगा रूट बी बाई ए, जो आपकी रियल वैल्यू आएगी। और सर ये पॉसिबल भी है? अगर पॉसिबल है तो ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर पॉसिबल है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस बॉक्स में, अगर पॉसिबल है ये चीज, तो क्या चीज आप बोलना चाहोगे? पॉसिबल है तो सुनिएगा भाई, पॉसिबल है तो क्या चीज है ये? हाँ, आपने ये बोला है कि y इक्वल्स टू ए टेन थीटा माइनस कोट थीटा प्लस टू ए बी, ये पॉसिबल है। तो सर इसका मिनिमम क्या होगा? इस मिनिमम ये होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर है, का भी स्क्वायर जीरो हो सकता है मिनिमम, है ना? तो ये जीरो होगा, प्लस इसका टू ए बी एड होगा, और वाई मैक्सिमम, किसी का भी होल स्क्वायर इन्फिनिटी हो सकता है, वेरिएबल का होल स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, किसी भी वेरिएबल का होल स्क्वायर क्या हो सकता है? किसी भी वेरिएबल का होल स्क्वायर हाँ जी सॉरी किसी भी वेरिएबल का होल स्क्वायर क्या हो सकता है? इन्फिनिटिव हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट बात ही, क्वेश्चन बनाएंगे डायरेक्ट इस पर।